अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारे पास डीसी सर्किट और उसकी टाइप्स। ठीक है कि डीसी सर्किट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल कंबाइन कॉम्बिनेशन में। चलें जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं डीसी सर्किट पे। डीसी सर्किट आपके सामने एक डायग्राम दी हुई है जिसमें आपके पास सिंपल डीसी सर्किट आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक बैटरी अटैच की गई है, बैटरी के साथ आपके पास जो लोड है उसको लगाया गया है। ये जो लोड है ये एज अ रेजिस्टर वर्क करेगा। इसके अलावा इस सर्किट में एक बहुत जरूरी चीज है स्विच। अगर तो ये स्विच यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है, ये ओपन स्विच है। अगर ये ओपन होगा तो यहाँ पे हमारे पास करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इस स्विच को क्लोज होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ देखिए कि आपके पास एक वी और ए नजर आ रहा होगा जो वोल्ट मीटर और एम मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किस लिए इसमें यूज हो रहे हैं, ये हमारे पास यूज हो रहे हैं कि हमारे पास वोल्ट्स कितने उसमें प्रोड्यूस हो रहे होंगे सर्किट में, और एम मीटर करंट को करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसको मेजर करेगा। अब ये जो रेजिस्टर जो हमारे पास लोड है, लोड एज अ रेजिस्टर काम करेगा, और लोड के अक्रॉस आप देखेंगे कि पोटेंशियल क्या है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ डीसी सर्किट जो है वो थ्री टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाएगा सीरीज डीसी सर्किट, दूसरा हमारे पास आ जाएगा पैरेलल डीसी सर्किट, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। ये दोनों जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अब हम आ जाते हैं डीसी सर्किट पे, ठीक है, सीरीज सर्किट पे। अब सीरीज आपको एक लफ्जी मतलब याद होगा, सीरीज का मतलब है एक लाइन में जुड़ी हुई चीज। ठीक है, यहाँ देखिए कि आपको डायग्राम में बहुत आराम से नजर आ रहा है, आर वन आर टू आर थ्री डिफरेंट सीरीज हैं और ये एक लाइन में लगी हुई है। अच्छा, एक चीज का आप लोग बहुत ध्यान करेंगे कि जब आप कोई भी रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर यहाँ पे सीरीज जो है वो रजिस्टर्स की सीरीज बनाई हुई है। अब ये जो सीरीज में आप रेजिस्टेंस बनाएंगे वो हमेशा इस तरह से अगर आपके पास स्टार्ट हो रही है तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रही होगी कि ये एक एंड से स्टार्ट हो रही है और एक एंड पे खत्म हो रही है। आप इसको इसी तरह ही बनाएंगे, ये आपके पास सही सीरीज है। अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये भी आपके पास गलत है, और अगर आप इसको ये इस तरह से बनाएंगे कि इसको सेंटर से तो शुरू करें, सेंटर से शुरू होगा और सेंटर पे ही खत्म होगा, और इस जगह पे आके एंड कर दें, तो ये भी आपके पास दोनों कंडीशंस रॉन्ग है। ठीक है, तो आपके पास ये बहुत ध्यान करना कि पेपर्स में बनाते हुए ये इस तरह, तो आप लोगों ने सीरीज का जो सिंबल बनाना है वो इसी तरह से ही बनाना है कि वो उसके सेंटर पे लाई करना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास एक बैटरी लगाई हुई है, बैटरी के अक्रॉस V1 से V2 के दरमियान यहाँ पे पोटेंशियल हो सकता है, V1 से V2 V3 के दरमियान जो है वो V2 पोटेंशियल होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये V3 का पोटेंशियल होगा। R1 के अलोंग V1 होगा, R2 के अलोंग V2 होगा, और R3 के अलोंग V3 होगा। अब रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर किसी भी चीज के लिए रुकावट का काम करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखें हमारे पास तीन जो हमारे पास R1 R2 R3 हैं, ये हमारे पास रेजिस्टर्स हैं और ये एक सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज कहें तो हमारे पास जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है अक्रॉस द सप्लाई वो है हमारे पास V। अब हमारे पास क्या होगा, द सेम करंट I इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द थ्री रेजिस्टर्स। अब करंट जो है वो इस सारे में से क्या होगा, सेम फ्लो हो रहा होगा। अगर इसको अब हम आगे देखें, यहाँ देखें कि आपके पास क्या था, V1, V2, V3 डिफरेंट थे आपके पास, उनके अलोंग अगर आप देखें, आप ओम्स लॉ को यूज करें, V इज इक्वल टू होता है IR के। अब यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करने के लिए IR1 के अलोंग हो गया, V2 के लिए IR2 के अलोंग हो गया, V3 के लिए IR3 के अलोंग हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास I जो है वो कॉमन है, ठीक है, तो हम अगर देखें तो I जो है हमारे पास वो बाहर आ जाएगा, तो इस तरफ भी अगर V की वैल्यू के लिए हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो हमारे पास R क्या आ जाएगा, R1 plus R2 R3, ये जो है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की हम बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यही हमारे पास इसकी कैलकुलेशन हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं कि हमें डिफरेंट वोल्टेज पता हो, ये डिफरेंट हमारे पास वैल्यू में हर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, और एक बार करंट के फ्लो की वैल्यू पता हो तो हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। हम इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं वोल्टेज फाइंड करने के लिए, इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं अगर हमें डिफरेंट वोल्टेजेस पता हो। अगर हमें डिफरेंट वोल्टेजेस ना पता हो, आर वन आर टू आर थ्री पता हो और एक करंट की वैल्यू पता हो, ये टोटल आर पता हो, तो भी हम वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो यही बता रहे हैं, इन सच टाइप ऑफ सर्किट ऑल द लैंप्स आर कंट्रोल्ड बाय द सिंगल स्विच एंड दे कनेक्टेड दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इंडिविजुअली। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दिस सर्किट
is for the decoration purpose where a number of low voltage lamps are connected in a series. क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि अक्सर ये शादी ब्याह पे भी आपके पास जो ये लाइट्स लगी हुई होती हैं कि उनको आप क्या करते हैं कि एक सीरीज में लगाया होता है. अगर रास्ते में से एक भी सीरीज का कनेक्शन टूटता है तो सारी का कनेक्शन ही ऑफ हो जाता है. तो उसके बाद नए सिरे से जहां पे कनेक्शन की वोल्टेज दी हुई होगी वहां से वो ऑन होगा. तो एक बटन से पूरी सीरीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ज्यादातर ये जो कॉम्बिनेशन है ये वहां पे यूज होता है जहां पे आपको ये पता हो कि एक ही बटन से आपने सब कुछ कंट्रोल करना है. जहां पे आपको पता हो कि आपने आपको डिफरेंट चीजें चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि एक में खराबी आ जाए तो दूसरा उसके अल्टरनेट के तौर पे यूज हो, तो वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होगा. अब आ जाते हैं डीसी पैरेलल सर्किट. यहाँ देखें कि तीन जो आपके पास सीरीज रेजिस्टर थे उनको आपने पैरेलल में ज्वाइन किया. पैरेलल में ज्वाइन करके उनको एक तरफ से जोड़ दिया और दूसरी तरफ से जोड़ के उनको एक ही सर्किट के साथ अटैच कर दिया. इस चीज में आप ये ध्यान रखिएगा जो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट टर्मिनल को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है. यानी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ. जबकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आपने बनाना होगा तो तीनों पॉजिटिव को एक ही उसमें कनेक्शन में डालेंगे और तीनों नेगेटिव को एक ही कनेक्शन में डालेंगे. ये बहुत ही काम की बात है और ये आमतौर पे आपको बुक्स में इजीली नहीं मिलेगी. इसको जहन में रखोगे तो कोई भी सर्किट आप इजीली डिजाइन कर सकते हो. ठीक है, अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है सब पॉजिटिव को कंबाइन कर दो नेगेटिव को कंबाइन कर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया. अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते जाओ सीरीज कॉम्बिनेशन बनता जाएगा. ठीक है, अब यहाँ देखें कि आपके पास अगर सपोज कर लें हम कि इसके एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव है और एक साइड पे हमारे पास नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा. अब यहाँ क्या बता रहे हैं द सर्किट विच हैव द डीसी सोर्स एंड वन एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर इज जॉइंट टू अ कॉमन पॉइंट एंड अदर आर आल्सो जॉइंट टू एन अदर कॉमन पॉइंट सो दैट द करंट फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड अ डीसी पैरेलल सर्किट. अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डीसी पैरेलल सर्किट हो जाएगा. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो फिगर है ये क्या शो करती है कि सिंपल जो आपके पास पैरेलल सर्किट होगा. अब इसमें क्या किया आर वन आर टू आर थ्री को आपके पास एक कनेक्टेड किया गया एक पैरेलल सर्किट में. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज दी गई है जिसको आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करंट जो है इसमें क्या है आई वन आई टू आर आई थ्री है. अब क्या था सीरीज में जो था ये आपके पास एमसीक्यूज का भी पॉइंट बनता है और आपको ये याद भी रहना चाहिए. सीरीज में आपके पास क्या चीज सेम थी, करंट सेम थी. इसमें आपके पास क्या चीज सेम है, इसमें आपके पास वोल्टेज सेम है. ठीक है, करंट आपके पास डिफरेंट हो रहा है. अब देखें कि यहाँ पे अगर हम डिफरेंट करंट की बात कर रहे हैं तो I is equal to I1, I2, I3 हो जाएगा. अगर ओम्स लॉ ही देखें V is equal to IR होता है, वहां से I की वैल्यू देखें तो V over R हो जाएगी. तो I1 के अक्रॉस V over R1 हो जाएगी, I2 के अक्रॉस V over R2 हो जाएगी और I3 के अक्रॉस V over R3 हो जाएगी. तो अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखें तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखते हुए V over R1, V over R2, V over R3 ये तीनों एक प्लस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास R1, R2, R3 का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास असल में इस ये जो 1 ओवर R है ये हमारे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस. ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अब इसके लिए कंडीशन ये है कि जब भी आप इसको यूज करेंगे जी, तो यहाँ पे अब आप देखें कि आपके पास जो ये टोटल करंट हो गया उसकी वैल्यू पुट कर दी और ये जो आपके पास रेसिप्रोकल है 1 ओवर R, जब आपने R की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इसको आप टोटल को सम करने के बाद R से डिवाइड जरूर करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं ऑल द रेजिस्टेंस टू ऑपरेटिंग टू द सेम वोल्टेज देयरफॉर ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल ईच ऑफ देम कैन बी कंट्रोल्ड इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ सेपरेट स्विच. कि अगर हमारे पास हर एक के लिए सेपरेट स्विच हम लोग कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास सेपरेटली कंट्रोल हो सकेगा. जैसे अगर हम बात करें हम इसके कंडीशन में यहाँ पे अगर स्विच ऑन कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल्ड हो जाएगा. उसके बाद हम आ जाते हैं इसके कंबाइन में. अब ये आपके पास डीसी सीरीज पैरेलल सर्किट जो है ये डीसी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट भी हो सकता है और ये रेजिस्टर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट भी है क्योंकि इसमें हम रेजिस्टर के यूज कर रहे हैं. आप कहेंगे कि ये रेजिस्टर क्यों है, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर और अदर एलिमेंट्स भी यूज होते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए बन जाएगी. अब क्या किया है कि R1, R2 ये जो है आपस में क्या है, आपके पास देखें कि ये दोनों पैरेलल में है, R3, R4, R5
R5, ये भी आपस में पैरेलल में, बट R1 और R2 और उसके बाद R3 और R4 R5 का जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में सीरीज में अटैच है। अब अगर पॉइंट्स के नाम देखें, यहाँ पे A, B और C थ्री पॉइंट्स के नाम दिए हैं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के दरमियान जो टर्मिनल हैं इनको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, A को A टर्मिनल, B टर्मिनल, C टर्मिनल। अब इन तीनों टर्मिनल्स के दरमियान, अब जो टर्मिनल ए से बी और बी से सी है ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो जब इनको कंबाइन कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपने सिंपल इस तरह से कैलकुलेट करना है कि पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेना और फिर उनको आपस में सीरीज में एड कर देना है। सिंपल हल है, देखिये मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पास क्या किया, आर ए से बी के दरमियान, अब यहाँ देखिए पॉइंट ए से जो बी के दरमियान, ये जो पॉइंट है आपके पास ए से बी के दरमियान, पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या है R1 और R2 मौजूद है हमारे पास। R1 और R2 के लिए R1 R2 को रेसिप्रोकल करके प्लस किया तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया और ये आपके पास सोल्यूशन यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि अब ये R1 R2 R1 प्लस R2 ये उल्ट कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास बी से सी के दरमियान, अब फाइंड करेंगे हम बी से पॉइंट बी टर्मिनल से पॉइंट बी टर्मिनल से पॉइंट सी के दरमियान, तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस होंगे R3 R4 R5, तीनों आपके पास क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो तीनों को रेसिप्रोकल करके एड अप करेंगे। ये देखें कि तीनों को रेसिप्रोकल करके एड अप किया है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके उनको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आप इसका जो रेसिप्रोकल लेंगे वह 1/R बीसी की, बीसी की जगह आर बीसी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों के दरमियान सीरीज लेना है, ठीक है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेनी है तो हम आर ए बी को और आर बी सी को आपस में प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो यही जो आपके पास कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशंस को और इन फार्मूलास को यूज करके आप डिफरेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर्स वगैरह में और खास तौर पे जो आपके पास आते हैं ये कॉम्पिटिशंस के पेपर, उनमें इन फार्मूला को यूज किया जाता है। तो इसमें दो चीजें बहुत अहम है जिसको आप फिंगर टिप्स पे याद रखेंगे और इनको आपस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, कि आपके पास जिस वक्त रेजिस्टेंस में होंगे, जिस वक्त सीरीज में होंगे, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, जिस वक्त सीरीज में होगा कॉम्बिनेशन, तो आपके पास क्या चीज जो है वो डिफरेंट होगी और क्या चीज सेम रहेगी, और जिस वक्त आपके पास पैरेलल में होंगे तो आपके पास क्या चीज डिफरेंट आएगी और क्या चीज सेम रहेगी। तो ये चीजें जो है आपने आंसर भी देनी है, ठीक है, इसके कमेंट्स में भी चेक आंसर देंगे।